हे गाइस, दिस इज दीपांशु। तो दोस्तों, आप लोगों ने एडवाइजरी को रीड कर लिया होगा। हाई कमीशन ऑफ इंडिया माल्टा ने जो इशू की है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए कि कैसे माल्टा में फेक एडमिशन्स लेटर इशू हो रहे हैं, कैसे जो यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूट्स और कॉलेजेस है वो रिफंड नहीं कर रहे हैं उनका अमाउंट जिनका वीज़ा रिजेक्ट हो चुका है। बहुत क्रिटिकल इशू है, इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे आप लोग इन प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकते हैं ये जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिए दोस्तों। तो सबसे पहले शुरुआत में एक थोड़ी से करता हूँ दोस्तों। एज ए यूट्यूबर गाइज, मुझे कई कोलाबरेशन के मेल्स आते हैं। वैसे ही एक इंस्टीट्यूट था माल्टा में जिसका कोलाबरेशन का मेल मुझे आया, ठीक है। मैंने उस इंस्टीट्यूट से कोलाबरेट किया। मैंने सोचा कि यार किसी स्टूडेंट को रेफरेंस की रिक्वायरमेंट होगी तो मैं दे दूंगा। बट मैं जब उस इंस्टीट्यूट के एड्रेस पर विदाउट एनी प्रायर अपॉइंटमेंट, विदाउट एनी प्रायर इंटीमेशन, मैं जब उस इंस्टीट्यूट के एड्रेस पर पहुंचा तो मुझे पता चलता है कि यार वो इंस्टीट्यूट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। लिटरली गाइस, इतना शॉक हो गया था। मैंने वहाँ के नेबर से पूछा कि यार ये इंस्टीट्यूट यहाँ पर है या नहीं है, तो उन्होंने बोला ऐसा कोई इंस्टीट्यूट था ही नहीं यहाँ पर, वो एक सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल सा घर था वहाँ पर। Could you believe it? तो ऐसा मेरे साथ हुआ है। इसी के कारण मैं आप लोगों को अवेयर करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। अब एडवाइजरी के अकॉर्डिंग पहला जो इशू यहाँ पर आया है वो फेक एडमिशन लेटर सर्कुलेट करने की वजह से हुआ है। वो कोई इंडिविजुअल हो सकता है, कोई एजेंट हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है दोस्तों, जिससे भी आपकी प्रोसेस करवा रहे हो। और वो ऐसा इसलिए करेगा क्योंकि या तो उसे प्रोसेस का नॉलेज नहीं हो, या सेकेंड केस उसे जो है सेकेंड इंस्टॉलमेंट या जो नेक्स्ट पेमेंट होगा आपका 50,000 या 60,000 या 1,00,000, जो भी पेमेंट होगा वो आपसे जल्दी लेना चाह रहा हो। अब दोस्तों, एडमिशन लेटर की ही बात हो रही है तो मैं बता दूं कि एडमिशन लेटर आने में टाइम लगता है दोस्तों। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ तो आपकी जो प्रोफाइल है उसको अच्छे से इवेल्यूएट करती है, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को थॉरली चेक करती है और उसके बाद देती है, इसीलिए उस प्रोसेस में टाइम लगता है। वेयर इज इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो इंस्टीट्यूट का काम सिर्फ और सिर्फ आपसे ट्यूशन फीस ग्रैब करना है, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट चाहिए। इवन दो वो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी चेक नहीं करते, मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आपके 38-40% भी होंगे ना तो भी वो लोग आपको एडमिशन दे देंगे और बोलेंगे कि चलो फर्दर प्रोसीड करो, आप ट्यूशन फीस पे करके जो है वीज़ा की एप्लीकेशन करो। ऐसा भी होता है दोस्तों। और इटालियन यूनिवर्सिटीज़ में तो आपको 2-2 मंथ्स लग जाते हैं दोस्तों एडमिशन ऑफर लेटर जो आपका है आने में। और अभी फिलहाल इटली में दोस्तों ऑफर लेटर्स, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऑफर लेटर्स इशू कर रही है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऑफर लेटर इशू नहीं कर रही है। वो कन्फर्मेशन इशू करती है और उसके बाद आप प्री इनरोलमेंट कर सकते हो। सेकेंड जो इशू यहाँ पर क्रिएट हुआ है वो हुआ है गाइस कुछ स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट की वजह से। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ ऐसा नहीं करती है, कुछ स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट्स और कॉलेजेस ही ऐसा करेंगे कि यार स्टूडेंट का अगर वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है इन एनी केस तो वो रिफंड नहीं करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दोस्तों आपको रिटर्न में लेना होगा उस इंस्टीट्यूट से कि वो इन केस अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो उस केस में आपका जो अमाउंट, जो ट्यूशन फीस आप पे करेंगे वो रिफंडेबल होगी। दोस्तों आपको मैं बताता हूँ प्रोसेस कैसे होती है। पहले तो आपका एडमिशन लेटर आ जाता है, एडमिशन लेटर आने के बाद आपको जो है वीज़ा अप्लाई करने के पहले ही ट्यूशन फीस पे करनी रहती है। और यूरोप में वो ट्यूशन फीस 5 लाख हो सकती है, 6 लाख हो सकती है, 7 लाख हो सकती है। और अगर इतनी फीस कोई इंस्टीट्यूट रिफंड ना करे तो सोच लीजिए आप पर क्या बीतेगी। तो ऐसा ही कुछ स्टूडेंट्स के साथ हुआ है, तो वो प्रॉब्लम आपके साथ ना हो इसीलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। थर्ड इशू जो है गाइज, कुछ इंस्टीट्यूट, जैसा कि मैंने बताया जिस इंस्टीट्यूट से मेरा कोलैबोरेशन हुआ था वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो वो केस तो बहुत रेयर होने वाला है। लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे भी जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनका कोई रिकग्निशन नहीं है, तो मेरे दोस्तों प्लीज़ उसकी जो है ऑथेंटिसिटी उस इंस्टीट्यूट की वो ज़रूर चेक कर लीजिएगा, उसका एक्रेडिशन चेक कर लीजिए, उसका रिकग्निशन ज़रूर चेक कीजिएगा जिस भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट या कॉलेज के लिए आप प्लान कर रहे हैं तो। और फोर्थ, हमेशा से दोस्तों मैं आप लोगों को इंसिस्ट करते आया हूँ कि यार आप अपने सेल्फ एप्लीकेशन पे फोकस ज़्यादा करें। ट्राई कीजिए कि आप पहले अपने एंड पर कोशिश करें, और नहीं होता है तब जाके आप किसी भी प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं। सो दोस्तों, दैट्स ऑल अबाउट टुडे। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर गाइज।